हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज आप सभी को मिनी लंदन की सैर करवाते हैं, जो कि झारखंड के क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने सही सुना, मैं मुस्कीगंज में स्थित है। तो हम लोग अभी चंदवा पहुंच चुके हैं। चंदवा से लगभग 24 किलोमीटर और हम लोग को सफर तय करना होगा, तो चलिए चलते हैं फिर। रांची का मुस्कीगंज कहा जाने वाला अपने मौसम और इंग्लो इंडियन के मौजूदगी के इतिहास को बयां करता रहा है। झारखंड के मिनी लंदन कहे जाने वाले इस इलाके के इतिहास अब धुंधली होती जा रही है। वक्त के साथ ज़्यादातर इंग्लो इंडियन ने अपने रुख अपने वतन की ओर कर ली है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वे यहाँ की मिट्टी को अब तक नहीं छोड़ा है। तो आज मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगा। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा मुस्कीगंज, जहां कभी इंग्लो इंडियन रहा करते थे, रांची से 60 किलोमीटर दूर में बसा मुस्कीगंज, जो कि पूरे दुनिया में मिनी लंदन के नाम से मशहूर है। अंग्रेज भले ही 1947 में भारत छोड़कर चले गए, लेकिन मुस्कीगंज उस दौर को अभी तक अपने अंदर समेटे हुआ है। यहाँ की खूबसूरती को देखकर 1932 और 33 के बीच में अंग्रेजों ने बसने के इरादे से इस इलाके को चुना था। वाकई में ये नज़ारा कितना खूबसूरत है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ताना भगत आंदोलन के दमनकर्ता लोग हैं, जो कि अपने तीर और धनुष से ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। फाइनली दोस्तों, हम लोग अभी मुस्कीगंज पहुंच चुके हैं। ये हिल साइड बंगला जाने का रास्ता है, तो चलिए देखते हैं हिल साइड बंगला कैसा है। उस समय रातू महाराज से कॉलोनाइजेशन के सोसाइटी ने 10,000 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से पहुंचे हुए रेल कर्मियों को यहां बसाया गया था। देख सकते हैं दूर से ही बंगला कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये बंगला अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। मिनी लंदन के नाम से प्रसिद्ध इस शहर में ऊंचे ऊंचे यूरोपीय शैली के बंगले भी हैं, जो सभी मायने में अंग्रेजों के जीवन शैली का अनुभव कराते हैं। हालांकि अधिकांश परिवार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश छोड़कर चले गए, लेकिन उनमें से कुछ इंग्लो इंडियन यहीं रहकर अपना घर बसाना चाहा। यहाँ पे तो फिलहाल अभी कोई नहीं है, तो चलिए थोड़ा नज़दीक जाकर देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। यहाँ तो फिलहाल अभी कोई नहीं है। यहाँ से कुछ दूर आगे जाइएगा तो एक रेलवे फाटक मिलेगा, तो रेलवे फाटक पार करने के बाद आपको जागृति विहार मिलेगा, तो चलिए उसे दिखाते हैं। ये रहा है जागृति विहार का मेन दरवाजा। तो यहाँ से आगे जाने के बाद आपको बहुत सारे इमारतें मिलेगी, जो उनमें से बहुत सारी इमारतें जर्जर हो चुकी है और कुछ इमारतें बचे हुए हैं, तो उनमें फिलहाल अभी स्कूल चल रही है, तो चलिए उस स्कूल को दिखाते हैं। जागृति विहार का कैंपस काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं जंगलों के बीचों बीच कितना खूबसूरत नज़ारा लगा। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि अंग्रेज आखिर क्यों इस जगह को बसने के लिए चुना था। ये रहा वात्स्यालय नाम से प्रसिद्ध स्कूल, यहाँ पे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ के मैडम से कुछ यहाँ के बारे में पूछते हैं। ये है यहाँ से पहले यही रहा करते थे, जब ये इनका देहांत हुआ ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। यहाँ पे जाइए, ये लोग सारा चीज बता देंगे। किसने वहाँ पे वो
वो लोग सारा चीज बता दे लो, क्योंकि वो लोग मैडम से बात करते टाइम आपने क्या नोटिस किया कमेंट में जरूर बताइएगा। तुम बड़े हरामी हो बेटा। इस कैंपस के अंदर बहुत पुराने लोग भी रहते हैं, तो उनसे चलिए पूछते हैं किट्टी मैडम अगर कहाँ पे है। हम लोग अभी विकास नगर की ओर जा रहे हैं। पता चला है कि किट्टी मैडम का घर वहीं पे है। काफी देर भटकने के बाद फिलहाल किट्टी मैडम का घर मिल गया, थैंक गॉड। तो ये रहा किट्टी मैडम का घर, जो कि आप देख सकते हैं कि बाहर में खड़ी है किट्टी मैडम। किट्टी मैडम बात करने के मूड में नहीं, किट्टी मैडम का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए बात करना नहीं चाह रही है। सुनिए ना मैम, किट्टी मैडम बर्तन धुल रही है, तो चलिए बर्तन ट्रेन से कुछ बातें कर लें मैडम से। तो यही है किट्टी टेक्सरा, जो कि एकमात्र इंग्लो इंडियन है। और किट्टी टेक्सरा रेलवे स्टेशन पे फल बेचकर अपना जीवन यापन चलाती थी, जो कि पिछले 10 सालों से फल बेचना बंद कर दिया। दोस्तों, अगर आप कभी भी मैक्सलीगंज घूमने के लिए आएँ तो तिरकी हेरिटेज हाउस ज़रूर घूमने आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्म एक साथ देखने के लिए मिलेंगे।